बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहदी प्रैंक। तो जनाब, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे प्यारे दोस्त हैं बिलाल अहमद भट्टी साहब, जिस बेकरी पे खड़े हैं ये बिलाल अहमद की है और ये सेकेंड ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच इनकी सलारवैन में है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपने विज़िट किया होगा, आपने देखी होगी। तो जनाब, वीडियो बनाने का मकसद ये था, बिलाल भाई मुझसे इसरार कर रहे थे कि यार मेरी बेकरी पे आएँ, वहाँ आकर अपना इस हमारी बेकरी का विज़िट करें और एक छोटी सी वीडियो बनाकर लोगों तक पहुँचा दें। तो जनाब, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि थोड़ी बिलाल भाई की ना हेल्प की जा सके और कस्टमर इधर रुझान करें। बिलाल भाई से पूछते हैं कि कितने बजे तक ये बैठते हैं और क्या क्या चीज़ें इनकी बेकरी से मुहैया हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा भाई, आप बताएं मेरे व्यूवर्स को कि आप एक तो ये बताएं कि आप कितने बजे तक बैठते हैं रात को, और दूसरा ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। हम जी सुबह स्टार्ट करते हैं 8 बजे से काम। सही है माशाल्लाह। और रात को 11 बजे बंद करते हैं। सही है, 11 बजे तक हमारी दुकान एंड टाइम जो है वो 11 बजे है। गर्मियों को हम बढ़ा देते हैं आजकल सर्दियों में, क्योंकि जो है ना ये छोटा शहर है इसलिए जल्दी बंद हो जाता है, बाजार बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हमें जल्दी बंद करना पड़ता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को? हमारे पास यहाँ पे पीस हैं। सही है। चेस्ट पीस, लेग पीस और जो है ना गर्दन के लिए पोटा। अच्छा। टिक्का वगैरह, टिक्का कबाब और मछली भी बनाते हैं आप? मछली फ्राई भी करते हैं और अपना बारबेक्यू भी होती है। अच्छा, यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे दूसरी मेरी जो फर्स्ट ब्रांच है वहाँ पे बारबेक्यू भी है और ब्रोस्ट भी है। सही है माशाल्लाह। यहाँ पे सिर्फ ब्रोस्ट है अभी, यहाँ पे भी इंशाल्लाह जो है ना ब्रोस्ट और ये बारबेक्यू का करते हैं। समोसे वगैरह, रोल वगैरह, ये चीज़ें भी हैं। समोसे, चिकन समोसा होता है, रोल समोसा होता है और जो है ना छोटा काजू समोसा होता है, सैंडविच भी होते हैं यहाँ पे, चिकन बर्गर होता है माशाल्लाह, और दूसरा सादा बर्गर भी होता है, जिंगर बर्गर भी होता है यहाँ पे। सही। और शवारमा, छोटा बड़ा चिकन शवारमा, मियार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रखा हुआ है हर चीज़ का माशाल्लाह। जी जी, वो तो हमें पता है, हम उधर आपकी जो फर्स्ट ब्रांच है ना सलारवैन वाली, आपको पता है हम तो भाई वहीं आते हैं, वहीं खाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ज़बरदस्त जायका है वहाँ का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि दोस्तों, जिस भाई ने फर्स्ट ब्रांच जो सलारवैन है चौधरी बेकरी जो है वो बिलाल भाई की है, और वहाँ पे जिस भाई ने इनके हाथ के समोसे बर्गर वगैरह पीस वगैरह खाए हैं, तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे आएँ और यहाँ पे भी इनके हाथों का जायका इंजॉय करें। और मैं बिलाल भाई से नंबर भी पूछता हूँ इनका, कि इनका मोबाइल नंबर क्या है, जो भाई घर बैठे होते हैं जिन्हें इधर आना होता है और वो चाहते हैं कि उनको थोड़ी जल्दी होती है और वो चाहते हैं कि भाई हम बेकरी पे पहुँचे, हमारे पहुँचने से पहले ही हमारा आर्डर तैयार हो चुका हो। तो बिलाल भाई अपना नंबर बताते हैं, आप इनके नंबर पे कॉल कर लिया। नज़दीक की जो होम डिलीवरी है ना सिटी की, शहर एरिया के जो है, सही है, वो होम डिलीवरी भी और 11 बजे तक वो भी जाना। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसा जाना वो होम डिलीवरी फ्री होगी। ज़बरदस्त, ये एक अच्छी चीज़ है। बिलाल भाई बता रहे हैं कि यहाँ के जो नज़दीक रहने वाले लोग हैं इसी शहर बाग वाला शहर के जो नज़दीक के रहने वाले हैं उनको ये सलारवैन हो गया, तो उनको ना हम होम डिलीवरी भी मुहैया करते हैं, कि वो हमें 11 बजे से पहले पहले वो अभी कॉल कर सकते हैं और होम डिलीवरी भी बिल्कुल फ्री होगी, जो सामान वो मंगवाएंगे उसी चीज़ के पैसे होंगे। तो अब मैं भाई से नंबर पूछता हूँ, ये भाई आपको नंबर बताते हैं, आपने नंबर बता दें जनाब। जी, मेरा नंबर है 0304 0304 010 010 23 26 23 26 23। जी जी, 23 और 26 ये लास्ट है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नंबर भी इसी पे है, व्हाट्सएप भी यही नंबर है, यही नंबर व्हाट्सएप है, आप प्लीज़ इनसे रब्ता करें। और मैं आपसे दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी शॉप पे आएँ ज़रूर, एक बार आप आएँ, उसके बाद अगर आपको यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें अच्छी लगे तो आप दोबारा इस तरफ रुख करें, नहीं तो आप ना करें। फिर हम बिलाल भाई से इजाज़त चाहते हैं, माशाल्लाह बहुत ही हमारे अच्छे और प्यारे दोस्त हैं, तो इंशाल्लाह आप यहाँ आएँगे तो आपको एक माहौल मुहैया करेंगे। ठीक है बिलाल भाई, ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। ठीक है सर।